अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हिना आसिफ। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज जो मैं मेकअप लुक लेकर आई हूँ, बहुत ही इजी वे के अंदर रहते हुए मैंने इंगेजमेंट ब्राइडल मेकअप किया है। इसको आप इंगेजमेंट में भी कर सकते हैं और ब्राइडल के लिए भी कर सकते हैं। दोनों ही ब्राइड के लिए ये बहुत अच्छा जाता है मेकअप, और बहुत आसान तरीके के साथ मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को करना बताया है। जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ब्रशेस शेड्स ऑफ ब्यूटी के यूज़ किए हैं। ब्लेस बाई हादिया के पैलेट से डार्क ब्राउन सा मैंने शेड लिया है। पेंसिल ब्रश मैं इधर यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे अभी ब्लेंडिंग का काम नहीं करना है, बस एक डार्क सी मुझे लाइन क्रिएट करनी है अपनी आईलिड के साथ। थोड़ा थोड़ा करके मैं अपनी आईलिड के मुताबिक ब्राउन कलर को मैं अप्लाई करूँगी पेंसिल ब्रश के साथ, और थोड़ा सा मैं इसको अपने आउटर से बाहर निकालूंगी। ब्लेंडिंग ब्रश के अंदर मैंने रेड कलर लिया है और लाइट सा बिल्कुल मैंने लिया है, और उसको मैं ब्राउन वाले के साथ अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हुई थी, यहाँ पर लाइट का इशू है, इस वजह से शायद सही समझ में नहीं आ रही है। ब्लेंडिंग करने के बाद मिस रोज़ का मैंने कंसीलर लिया है, और फ्लैट ब्रश के साथ मैं अपनी पूरी आईलिड को कट करूँगी, फुल कट क्रीज करूँगी। मैं फुल कट क्रीज के साथ आज का ये मेरा मेकअप है। अच्छे से मैं अपनी आईलिड को कट करूँगी, और कट करने के बाद ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, सेट कर लूँगी, ताकि हम जो आई शेड लगाएँ तो वो चिपक ना जाए, अच्छे से अप्लाई हो सकें। इसलिए कंसीलर आप जब भी लगाएं, कंसीलर लगाने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें ताकि वो अपने जगह पर सेट हो जाए। क्रायलॉन का केक लाइनर यूज़ किया है पॉइंटर ब्रश के साथ। डबल कट क्रीज करूँगी कॉर्नर से, लाइनर की तरह बाहर निकालूँगी और फिर वापस अंदर लेकर आऊँगी अपने इनर की साइड। कॉर्नर से मैंने डबल कट क्रीज किया है। स्लो स्लो करके लाइनर की एप्लीकेशन करूँगी और बीच से उसको फिल भी कर लूँगी लाइनर के साथ। बहुत आसान तरीका है, मेकअप भी बहुत आसान तरीके से मैंने करना बताया है। यू कैन बी के पैलेट से ये गोल्ड वो है शिमर शेड है, वो मैं फ्लैट ब्रश के साथ अपनी पूरी आईलिड के ऊपर अप्लाई करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करना है ताकि जो हमारा शिमर शेड है वो हमारी जो हमने आईलिड को कट किया है बस उसी के हद तक रहे। देखिए, मैंने अच्छे से अपने आईलिड के ऊपर गोल्डन शेड को कवर कर लिया है, अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और फिर उसके बाद मैं इसको ब्लैक कलर के साथ ब्लेंड भी करूँगी। रेड कलर का मैंने इस ब्रश के अंदर कलर लिया था, बहुत लाइट सा, वीडियो के अंदर समझ में नहीं आ रहा है लेकिन एंड में आप लोगों को नज़र आएगा। ब्लैक के साथ मैं उस रेड कलर की एप्लीकेशन करूँगी। ब्रो बोन को अपने हाईलाइट करूँगी, और इसके बाद हैंग फैंग का ये मैंने ग्लिटर यूज़ किया है, और जो डबल कट क्रीज मैंने करी थी वहाँ पर मैं इसको एज अ लाइनर, जो मेरी हाफ आईलिड का हिस्सा है, मैं वहाँ पर इसको लगाऊँगी। क्योंकि ये ब्राइडल मेकअप है तो हमें वाटर लाइन के नीचे का मेकअप भी थोड़ा हैवी करना है, शार्प करना है, तो इसके लिए कट ब्रश लिया है मैंने, और कट ब्रश के साथ ब्लैक मैंने आई शेड लिया है पाउडर शेड, और उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं अपनी आईलिड के ऊपर लगाऊंगी, सॉरी वाटर लाइन के ऊपर लगाऊंगी, और फिर दूसरे ब्रश में मैंने रेड कलर लिया है, रेड कलर के साथ मैं इसकी ब्लेंडिंग करूंगी। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद अपने टियर डक को भी मैं हाईलाइट करूंगी। यू कैन बी के पैलेट से ही मैंने सेम कलर लिया है जो ब्रो बोन पे और टियर डक पर लगाया है। लाइनर की एप्लीकेशन करूंगी, लाइनर बाहर नहीं निकालना है क्योंकि हमारा आउटर तो है ही ब्लैक, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने लाइनर की एप्लीकेशन करूंगी छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ, और बहुत नीट करके हमें लाइनर लगाना है। थोड़ा सा हैवी लाइनर करूंगी क्योंकि ब्राइडल लुक है ये, और इनर से मैं इसको थोड़ा बाहर निकालूंगी ताकि हमारी जो ब्राइड की लुक है, मेकअप हमारा बहुत प्यारा लगे और आई हमारी खुली खुली बड़ी बड़ी लगें। मस्कारे की एप्लीकेशन करनी है, अच्छे से मस्कारा लगाना है अपर आई लैशेज़ पर भी और लोअर लैशेज़ पर भी।
मस्कारे के एप्लीकेशन के बाद आई लैशेस अप्लाई करूँगी। 5D मैंने लैशेस लगाई है और जी देखें आप, ये मेरा फाइनल लुक है। कितना खूबसूरत हमारा ये आई लुक आया है और बहुत इजी मेथड के साथ मैंने ये लुक क्रिएट करना आप लोगों को बताया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।